कि राधा मोरी फावरी और मैं राधे को दाफ, और जन्म जन्म मोर बीजियो फामी वृंदावन को वाफ, सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे पास, ए हरिदास की लाडली मेरी और निहार। हेलो एवरीवन, ओम प्रकाश दिस साइड, और मैं आ चुका हूँ मथुरा वृंदावन, है ना। आज वीकेंड्स है तो हमने प्लान किया कि आज एक दिन कृष्ण जी के नाम, द परफेक्ट मैन इन द वर्ल्ड। सो यस, वी स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम Delhi to Mathura, and the ways are from via Gurgaon. तो पास में मेरा भी ऑफिस है, बट ऑफिस आज जाना है नहीं क्योंकि आज की छुट्टी है। अकेला तो नहीं होगा ये। अरे भाई, इसे तो रेस ही नहीं लगा सकते। S2R गया है आगे। बेटी गई है, बेटी भी सबसे पीछे वाली सबसे महंगी है, सबसे लास्ट काली ग्रीन। बीच वाली तो भाई नहीं सकती। श्री बाबा द्वार, वी आर ऑन द रोड ऑफ मथुरा, और मथुरा बहुत ही प्यारा लग रहा है और मौसम भी बहुत ही अच्छा सुहावना सा है ना। बहुत सारे खिलौने हैं, आप लोग खरीद सकते हो साथ ही भगवान का सारी चीज़ें। बहुत पुराने पुराने घर भी हैं देखने के लिए, देख सकते हैं। यमुना पैलेस, वो भाई साहब ये पैलेस है। ये यमुना पैलेस है, ये अभी टूट नहीं गया, गाय ऊपर चल गई छत पे पीछे। ओ देखिए हमारे, ओ
हाँ हाँ जाएंगे तो बंद हो गया यही वाला है, 3:30 बजे डन डन डन। कितने सारे दुकान हैं यहाँ पे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं भगवानों का मिलता है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग ले सकते हो अपने अपने हिसाब से। यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर ये रहा, जो कि अभी आप बंद होने वाला है, फिर ये शाम में ही खुलेगा आरती के लिए। ये नंदी बैल हमारा, हर हर महादेव की जय हो। अभी हम लोग जा रहे हैं कचौड़ी खाने, जिसके लिए हम लोग मथुरा आए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अभी आवाज़ आ रहा होगा साइड साइड से, बट कोई इशू नहीं। दुकान भी है, बारिश भी होने वाला है। हम लोग द्वारका में, द्वारका भी बेसिकली विश्राम घाट की तरफ जाता है ये रास्ता। यहाँ पे 3 रास्ते हैं, 1, 2 और ये 3, जिधर से हम लोग आए हैं। जो सबसे फेमस है वो ये है, गुरु रूपा, गुरु कृपा वाले भोग, रूपा कचौड़ी वाले, और यहाँ का भीड़ देख लो, अल्टीमेट भीड़ है। हेलो, कचौड़ी ये हमारा बोट रेडी हो गया। चले अब वहाँ उतारेंगे वो, आ जाओ आ जाओ। ये कितना साड़ी होगा हार्डली? 101 साड़ी। चलिए भैया, हाँ हाथ लगाना, सब लोग हाथ लगाओ। ये जय हो यमुना मैया की। ये निकल जाएगा। द बेस्ट शॉट। ये कौन सा साइबेरियन पक्षी है ना?
मथुरा के बारे में क्या है? जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है आपका गोकुल में, मथुरा में ही आता है गोकुल बीज जो है मथुरा, बेसिकली यहाँ पे उनका जन्म हुआ है। हाँ, यहाँ पे तो सिर्फ जन्म हुआ है कृष्ण भगवान का, फिर यहाँ पे कृष्ण भगवान के पिताजी इनको गोकुल छोड़ के आए गोकुल धाम। हाँ, उधर से पार किए थे, सामने गोकुल गेट बना हुआ है, जानी सबको दिखेगा नहीं, लौटते में तब सब कुछ दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने घाट हैं ये सारे? घाटे हैं 25। 25 घाट, 12 घाट इधर है, 12 घाट उधर है, बीच में मेन घाट है विश्राम। अच्छा, यहाँ पे कंस कुमार के भगवान ने विश्राम किया था, कंस को मारने के बाद, कंस को मारने के बाद में विश्राम किया। जो बहन भाई का स्नान होता है यहाँ, भाई दूज का, भाई दूज का कभी आओगे आप तो आपको यहाँ पे लाखों की संख्या में पब्लिक दिखेगा। अच्छा, तो मैं लिखना यहाँ पे भाई दूज का है, शाम को यमुना जी का आरती होता है, जैसे हरिद्वार में हरकी पैड़ी पे होता है, शाम को यहाँ पे आरती होता है यमुना जी का, सुबह 5:30 बजे आरती होता है। और गांव में कृष्ण भगवान के गुरु का मंदिर दुर्बाफा ऋषि, अच्छा, उनका बसंत पंचमी को मेला लगता है। और उसके आगे कंस का महल, जहाँ कंस रहता था, 5,500 वर्ष पुराना महल है वो, आप देखोगे तो पूरा मिट्टी बन गया है। तो क्या गवर्नमेंट ने एक किला के रूप में रख रखा है, साढ़े 500 साल पुराना, 5,500 साल पुराना, 5,500 साल, 5,500 साल नहीं, 5,553 साल हो गए किले को। और यहाँ पे ब्रज में दो ही चीजें, जमुना जी है, ये पूरा ब्रज है जो उस टाइम का है, इनको कुछ भी नहीं, यमुना जी बह रही है यहाँ पे, पहले अपना जगह बदलती रहती है यमुना जी, पहले घाटों पर और कहीं इधर आ गई ये। अभी उस टाइम पे तो हमने बोलती है कि यहाँ पे भगवान ने गाय चराई है। अच्छा, इसी वन में? हाँ, ये पूरा वन जो बना हुआ है यहाँ पे भगवान ने गाय चराई है। गर्मियों में आपको इतना आनंद आएगा, इस वन के अंदर जाओगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, इतना ठंडक रहता है। अच्छा, वो जो कृष्ण जी के जो फादर थे वो यहीं से मतलब लेके आए थे? वो आगे है घाट, वो कंस के किले के बगल में है, कंस के किले के बगल में। कृष्ण के पापा ने लेके आए थे, उनके पापा थोड़े लेके आए थे, उनके पापा ही, पापा ही लेके आए थे जब जेल से, जेल से कौन लाए थे? पिताजी तो लाए थे। अरे यार, हे भगवान, हमारा संस्कृति जा रहा है, ज्यादा ज्ञान भी मेरे को लग रहा है वो है। भगवान के 7 भाइयों को मारने के बाद आखिर कृष्ण भगवान पे लगा है भैया, हमको कोई शौक नहीं है, चलाएंगे उसको पकड़ लेना पड़ेगा। चल खड़ी हो, ये सामने दाऊ जी अड्डा है, कृष्ण जी का भाई दाऊ मंदिर है। अच्छा, हाँ, दाऊ जी अंग्रेजों के टाइम का ही है, अंग्रेजों ने बनाया पुल, देख लो, गिरी तो मारो, आप इंडियन बना रहे हैं इसको, अंग्रेजों के जमाने के पुल है, चेंज कर ना। हमारा पटना पुल था, दाऊ भैया उनके, उनका बलराम नाम था उनका ना, बलराम। कृष्ण भगवान के कितने नाम है आपको पता है?
कितने बहुत नाम है 18,000 नाम जब ही वो भगवान हो गए वाह पकड़ा हुआ डिजाइन है होली पे बहुत पब्लिक रहे ना पानी अब साफ रहा नहीं पानी तो ये दिल्ली का पानी सारा आके अब तुम आपको ये पानी पर लगी रहा है बताइए बताइए इनके लिए 16,108 रुपया भोजन लेके जाती थी नदी पार करा के नहीं सारा भोजन अकेले खाते थे वो कृष्ण जी कृष्ण भगवान के अच्छा वो कलयुग सतयुग त्रेता युग द्वापर युग सब में थे वृंदावन में नदी नहीं लगती है ना जी नदी है लगती है वहाँ पे नदी है वहाँ पे नदी तो है ये आपको निधिवन के पास में मिल जाएगा नदी निधिवन श्रृंगारवट जहाँ कृष्ण भगवान ने राधा जी का स्वयं श्रृंगार किया है उसको श्रृंगारवट घाट बोलते निधिवन तो दिन में ही जा सकते हैं वो तो अनुभूत वाला वो सुना है उसके बगल में है चीर घाट जहाँ कृष्ण भगवान ने गोपियों को बस्ती चुराई उसके बगल में फिर तुम्हारा बिहार घाट जहाँ कृष्ण भगवान ने नौका विहार किया है बिहार जी के मंदिर के सामने ही है बिहार घाट जहाँ कृष्ण भगवान को नौका विहार किया है उसके बाद में है ये गोपी घाट जहाँ बोले शिव शंकर जी जो कृष्ण भगवान और राधा जी का राव देखने के लिए गोपी का रूप धारण करके नहीं आ गए नदी वन के अंदर क्योंकि उनमें राव रचाने के लिए वो तो जा नहीं सकते गोपियां ही जा सकती थी सोच रहा था कि राव देखने के लिए गोपी का रूप धारण करके तब गए थे प्रेम अब नहीं है वो प्रेम अब नहीं है वो अब कहाँ है वो तो प्रेम अब खत्म हो चुका है हाँ हाँ उस टाइम पे प्रेम क्या था जो कृष्ण भगवान माखन की चुराने के लिए जाते थे ना तो सबको पता था कृष्ण भगवान का रूप ही कैसा था कि सामने देख ले तो कोई उनसे कहता ही नहीं था कुछ भी कृष्ण भगवान इतने नटखट थे कि चलती हुई गोपियों को छोड़ देते थे कंकड़ी मार देते थे माखन छीन देते थे आपने गोवर्धन गए हो उधर में आपने किस चीज के दर्शन किए कृष्ण जी के गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पर्वत तो है ही है हाँ। उसमें एक चीज और है दान घाटी हाँ। दान घाटी नाम क्यों रखा हुआ है उनका सब कुछ तो दान ही कर दिए थे तो यहाँ स्वयं कृष्ण भगवान ने राधा जी से दान लिया है अच्छा आप जाओगे गोवर्धन में आपको बोला होगा पंडा जी ने किसी ने भी कि दूध चढ़ाओ दही चढ़ाओ वो दान लेते हैं अच्छा स्वयं कृष्ण भगवान दान लेते हैं वहाँ पे जब दादा जी और राधा जी की सखी बर्फाने रहती थी बर्फाने से दूध दही माखन बेचने के लिए आती थी मथुरा कंस के डर से मथुरा आती थी ठीक है और अपने जो कृष्ण भगवान थे अपने मित्र फकाओ के फाक में जाके लिए उनसे राधा जी से माखन छीन लिया करते थे क्योंकि राक्षस के लिए वो बेचती थे उनके राक्षस ही बेसक से उनका मामा थे तो उनके लिए तो राक्षस भी तो कृष्ण भगवान बोलते थे उनको जाके मथुरा भाभी को जाके जाके क्यों खिला रहे हो उधर मैं कम सुना रहा चल रहा है यहाँ पे दो जबरदस्ती छीन लिया करते थे कृष्ण भगवान तो तभी उनका नाम दान घाटी रखा हुआ है वहाँ पे कृष्ण भगवान को दान चढ़ाते हैं आप भी जाओगे तो देखना कितना सबसे ज्यादा दूध दही कृष्ण भगवान को गिरिराज जी में ही चढ़ता है और कहीं नहीं चढ़ता है दूध दही पंचम सबसे ज्यादा वही चढ़ता है और कहीं नहीं चढ़ेगा उसको दान घाटी इसीलिए बोलते हैं पहले क्या है कि इंद्रदेव की पूजा करते थे लोग गोवर्धन की पूजा नहीं करते थे उतना नहीं लेकिन अब जब कृष्ण भगवान वहाँ पे गए तो इन्होंने पूछा एक बार इंद्रदेव के लिए पूजा करने के लिए जा रहे थे तो कृष्ण भगवान ने भैया पे पूजा मिलकर इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं तो इंद्र जी बोल अपने हिसाब से बोलते हैं मिनकी जी हमारे को पानी देते हैं तुम्हें तो नाराज हो जाएंगे तो कृष्ण भगवान ने जब उनको मना करके दिया गोवर्धन की पूजा करवाया अब देखना मेरे को इतना ध्यान नहीं है पतला मेरे को पता तो है ध्यान नहीं आ रहा मेरे को तब कृष्ण भगवान गोवर्धन की पूजा करवाते हैं तो इंद्रदेव भड़क जाते हैं तो इतना भयंकर बरसात करते हैं कि कृष्ण भगवान अपनी उंगली पर 7 दिन तक पर्वत को उठा के रखते हैं
पूरे ब्रज को बचाने के लिए। कल उसका नाम गोवर्धन पर्वत पड़ा है, आपने देखा होगा कि इस उंगली पे ब्रज पर्वत को उठा के रखा हुआ है, देखा होगा आपने। वो इसी वजह से उठाया है, 7 दिन तक इसी उंगली पे रखा हुआ था। फिर कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था। कृष्ण भगवान को 56 भोग लगता है, आपने सुना होगा। क्यों लगता है 56 भोग? नहीं पता ना। जब कृष्ण भगवान ने 7 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था ना, तो 7 दिन का जोड़ के लिए माता जी ने 56 भोग बनाए, तब उनको 56 भोग लगता है। nice. आप 7 दिन पे कुछ खाओगे पियोगे नहीं, तो जब आए 7 दिन बाद लौट के लिए और वो दूध दही इन चीजों के लिए तब उनके लिए 56 भोग बनाए थे। तभी तो यशोदा मैया ने उनके लिए 56 भोग लगाए। आज उनका जहाँ कहीं भी पूजा करोगे तो 56 भोग पहले लगेगा। देखो सामने बल्ली कर रही है, ये 56 भोग है कृष्ण भगवान यमुना जी का। वो आगे विश्राम करके जब के सामने ही लगा रहे हैं बल्ली है। देखो बर्फा पल्ले दिन में 56 भोग है। 56 तरह की मिठाइयाँ होंगी, नमकीन भी होगा, मीठा भी होगा, सब कुछ होगा। उनको 56 भोग ही लगता है। और ये आए हैं मनोरथ कर रहे हैं, चाहे एक बर्फी लाएं लेकिन 56 तरह की मिठाई लाएंगे, इनको इसलिए 56 भोग लगता है। 56 तरह की मिठाई मिल जाता है उसमें? 56 तरह का मिठाई नहीं, 56 भोग होता है, जिसमें नमकीन भी होता है। अच्छा। काजू पिस्ता सब चीज होता है। 56 भोग उसको बोलते हैं। 56 तरह का होता है, थोड़ा थोड़ा कर लो या कैसे भी कर लो, किलो भर कर लो, होता है 56 तरह का। धूप लगेगा बच्चे को। अभी आप देख रहे हो बल्लिया, अभी तो बांध रहे थे, आप देखा होगा आपने पानी के अंदर बल्लिया जो लगी हुई है। ठीक है, अब दोनों के साथ कीजिए। सही है ना? हाँ, एक साथ। इनको खींचने दे, ये छुवा देंगे, इनको खींचने दे, छुवा देंगे। हम दोनों घर रहेंगे। अमित तो एक शॉट लेना ऐसे, होना चाहिए कि पठान आ रहा है। पठान इज बैक। भूल गए हम तो यार, अच्छी क्या पोज बता दिया यार। जय हर महादेव। ये है कंस का किला, देख रहे हो? ये है कंस का किला, कंस नगरी यही है। तो जो कैसे मतलब कृष्ण जी इधर से उधर गए थे, उनके पापा का डेडिकेशन देखो, देख रहे हो? एक बाप ही अपने बेटे के लिए इतना कुछ करता है, फिर वही बेटा बड़ा होके कहता है कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए। सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ नाउडेज। हमारा नाव है तो हम लोग तैयारी कर लिए हैं कि हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, हमारा मेन डेस्टिनेशन। हमारा ऐसा किचन है जहाँ पे हम पहले हाथ धोएंगे। मेन
पर किचन देख सकते हैं। ये थाल है हमारा, हाँ छोटू ये उसी चूल्हा पे बना हुआ पूरा पकवान है। सब्जी में आ गया ये रोटी है, ये क्या है पराठा, देन ये दाल है, ये भी दाल है, ये सब्जी है, ये भुजिया आलू पालक का चटनी एंड अचार और आधा पानी। ये अच्छा लगा, मतलब पहली बार गांव के तरह स्टाइल में है ना, देखते हैं टेस्ट कैसा है। मेरी गलती है